नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन, देश भर में 30 जगहों पर ज्यादा असर, हजारों यात्री परेशान। वेस्ट बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के नेता की गोली मारकर हत्या, सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। शाहजहांपुर में कचहरी के एसी जेएम ऑफिस में वकील की गोली मारकर हत्या, आरोपी तमंचा छोड़कर मौके से हुआ फरार। बांग्लादेश में फिर निशाने पर आए हिंदू, जमाते इस्लामी के उपद्रवियों ने हिंदुओं के 65 घरों में लगाई आग, मंदिरों में भी की तोड़फोड़। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पीएम मोदी से अपील, बिहारियों को सौंपें कश्मीर, 15 दिनों में सुधार नहीं दिए तो कहिएगा। अभिनेत्री पूजा वेदी और उनके मंगेतर को हुआ कोरोना, फिर भी वैक्सीन न लगवाने का किया फैसला। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, एनडीआरएफ टीम को हरिद्वार में स्टैंड बाय पर रखा। वापस कभी कश्मीर नहीं आएंगे, आतंकी हमलों से डरे प्रवासी मजदूर, घर लौटने को जम्मू स्टेशन पर हुए जमा। शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारे साथ हैं मुलायम सिंह यादव। रिलीज होते ही इंटरनेट पर छाया सपना चौधरी का नया गाना पतली कमर, डांसर के देसी अंदाज ने फिर भड़काया फैंस का दिल। असदुद्दीन ओवैसी बोले, केवल मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से भाजपा को नहीं हरा सकते, ए टू जेड कॉम्बिनेशन ही आएगा काम। श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बंदुला वर्णापुरा का निधन, बीमारी की हालत में चल रहा था इलाज। रामपुर में बस ने मारी स्कूल वैन को टक्कर, दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हुए घायल। क्रिकेटर युवराज सिंह को पूछताछ के बाद किया रिहा, सोशल मीडिया पर चैटिंग के दौरान जातिगत टिप्पणी करने का है आरोप। शेयर मार्केट में सेंसेक्स पहली बार 61,800 के पार, निफ्टी बढ़त के साथ 18,468 पर हुआ बंद। बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से देंगे इस्तीफा, भाजपा के टिकट पर आसनसोल से चुने गए थे सांसद। महंगे पेट्रोल पर कांग्रेस हमलावर, प्रियंका गांधी बोली, हवाई चप्पल वालों का सड़क पर सफर करना मुश्किल। जम्मू कश्मीर में बिहारी लोगों के मारे जाने से चिंतित हैं सीएम नीतीश, मनोज सिन्हा से की बात, 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। वेस्ट यूपी में किसानों ने कब्जा किए रेलवे ट्रैक, रेलों का चक्का जाम, दर्जनों ट्रेनें प्रभावित। मेरठ में 24 घंटे में हुई 75 मिलीलीटर बरसात, बिजनौर में मकान की छत गिरने से बच्ची की मौत।